आज हम लोग सहसंयोजी बंध का आधुनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सहसंयोजी बंध के आधार पर ही हमने किसी अणु की आकृति और उनकी बंध लंबाई और उनके बंध कोण को स्पष्ट किया गया। ठीक, और बंध सहसंयोजी बंध का जो सिद्धांत था वो दो आधुनिक सिद्धांत दिए गए। तो देखिए, अणु की आकृति, कामाबंध लंबाई, कामाबंध कोण को स्पष्ट करने के लिए सहसंयोजी बंध के दो आधुनिक सिद्धांत दिए गए। पहला देखिए सहसंयोजी बंध सिद्धांत और दूसरा आणविक कक्षक सिद्धांत। तो हम यहाँ पहले सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है देखिए संयोजी बंध सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम हिटलर ने दिया था, ठीक, और बाद में इसको पॉलिंग और स्लेटर ने पूर्ण किया था इस सिद्धांत को, और जिन्होंने बाद में इसके सिद्धांत के कुछ प्रमुख तथ्य दिए। तो देखिए, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1927 में हिटलर तथा लंदन ने दिया था तथा इस सिद्धांत को 1931 में पॉलिंग और स्लेटर ने पूर्ण किया था। इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख तथ्य निम्न हैं। पहला देखिए, सहसंयोजी बंध तभी बनता है जब दो और परमाणु पास आते हैं तथा उनके बाह्यतम कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे से वो ओवरलैपिंग करते हैं। अतिव्यापन में वे कक्षक भाग लेते हैं जो अर्धपूर्ण या जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब अर्धपूर्ण मतलब जो आधे भरे होते हैं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं। फिर थर्ड नंबर देखिए, प्रभावी अतिव्यापन के लिए कक्षकों की निश्चित दिशा होनी चाहिए, मतलब ओवरलैपिंग होने के लिए उनका एक निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। चौथा देखिए, अतिव्यापन करने वाले कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए, ठीक, उनका मतलब चक्रण क्वांटम संख्या हो विपरीत हो, अगर एक क्लाक वाइज हो तो दूसरा एंटी क्लाक वाइज हो। फिर पाँचवा देखिए, कक्षकों के अतिव्यापन से बने बंध कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, मतलब कक्षकों में जो अतिव्यापन से बंध बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की संभावना ज़्यादा होती है। फिर अगला नंबर देखिए, किसी सहसंयोजी बंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है, अतिव्यापन की सीमा बढ़ने पर बंध की प्रबलता बढ़ती जाती है तथा बंध की लंबाई घटती जाती है। अगला नंबर देखिए, अतिव्यापन द्वारा दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के आने से इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसे बंध ऊर्जा कहते हैं। फिर अगला नंबर देखिए, संयोजी कोष के युग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके रिक्त कक्षकों में चले जाने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वे कक्षक अतिव्यापन में भाग ले लेते हैं। फिर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन परमाणु में कार्बन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में अपने मूल अवस्था में है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। लेकिन जब यही कार्बन उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वह जो पिछला उसका है 2p कोष है, वो अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने में खींच लेता है। तो इसीलिए उसमें अवयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए यहाँ पे 4 हो गई है, 1s2 2s1 2p3। तो इस प्रकार से एक्साइटेड स्टेट में जब हो जाता है तो अपने अर्ध कोष को क्या करता है, अर्धपूर्ण करना चाहता है। फिर देखिए, उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु की 2s कक्षक का युग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में चला जाता है, जिससे युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाती है तथा ये कक्षक अतिव्यापन में भी भाग लेते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कक्षक में भाग लेते हैं। अब यहाँ देखिए, कक्षक दो प्रकार के होते हैं। पहला सदिश कक्षक, वे कक्षक जिनकी दिशा ज्ञात होती है उन्हें सदिश कक्षक कहते हैं, जैसे पी कक्षक। अतिश कक्षक, वे कक्षक जिनकी दिशा को निर्धारित नहीं करते या जिनकी दिशा निश्चित नहीं होती उसे अधिश कक्षक कहते हैं, जैसे यश कक्षक। अब आगे देखिए, अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी बंध दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बंध, एक पाई बंध। तो सिग्मा बंध देखिए, दो कक्षकों के अपने अक्षों पर अतिव्यापन द्वारा बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं, मतलब जिनका एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा जो बंध बनता है उनको हम पाई सिग्मा बंध कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन देखिए, दो कक्षकों के सिरे अतिव्यापन द्वारा बने सहसंयोजी बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। तो सिग्मा बंध बनने की 3 स्थितियाँ होती हैं, मतलब 3 स्थितियों में सिग्मा बंध का निर्माण हो सकता है। कब? पहला देखिए, यस कक्षकों के मध्य अतिव्यापन द्वारा, मतलब जब किसी अन्य तत्व का या
दो तत्व का यस यस कक्षक रह के मध्य अधिव्यापन होगा तो वहाँ सीमाबंध का निर्माण होगा, जैसे यस टू में। या देखिए यस वन, यस वन का एक एच का दूसरे वंश का, तो इस प्रकार से वो एक्सियल ओवरलैपिंग करके एक सीमाबंध का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा देखिए यस पी कक्षकों के मध्य अधिव्यापन द्वारा, मतलब हर किसी एक तत्व का यस कक्षक है और दूसरे तत्व का पी कक्षक है, उनके द्वारा भी सीमाबंध का निर्माण होता है। जैसे देखिए एस सी एल हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वन एस वन, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है तो जिसका भी देखिए वन एस टू, टू एस टू, टू पी टू एक्स, टू पी टू वाई, टू पी जेड टू, थ्री एस टू, थ्री पी एक्स स्क्वायर, थ्री पाई स्क्वायर, थ्री पी वन जेड। इस प्रकार से इनका एस आर्बिटल और इनका पी जेड आर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वो दोनों ओवरलैपिंग करेंगे और उनके मध्य में एक सीमाबंध का निर्माण होगा। अब थर्ड देखिए पी पी कक्षकों के मध्य अधिव्यापन द्वारा, पी पी कक्षकों के सिरे से सिरे तक के अधिव्यापन द्वारा भी सीमाबंध का निर्माण होता है, जैसे सी एल टू में। अभी आपने सी एल टू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर देखा, उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और एक एक दोनों दो क्लोरीन है तो एक एक क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके एक सीमाबंध का निर्माण करता है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं कि सीमाबंध का महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। सीमाबंध में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिकतम होता है। सीमाबंध में नोडल तल नहीं पाया जाता है। सीमाबंध में मुक्त गुणन संभव है, मतलब वो रोटेट कर सकता है। फिर आगे देखिए सीमाबंध मजबूत होता है। यस कक्षक सदैव सीमाबंध बनाता है। सीमाबंध स्वतंत्र होता है और सभी एकलबंध सीमाबंध होते हैं। सीमाबंध अणु की आकृति निर्धारित करते हैं, तो सीमाबंध के द्वारा ही आकृति को निर्धारित किया जाता है, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है। फिर देखिए सेकंड नंबर पाई बंध, दो कक्षकों के पारसी अतिव्यापन द्वारा बने सहसंयोजी बंध को पाई बंध कहते हैं, और पी पी कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा ही पाई बंध बनता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है फिगर में। इस प्रकार से ये ओवरलैप करते हैं, पार्श्व मतलब बगल से ओवरलैपिंग इनकी होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक, फिर इनका देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, पाई बंध में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होता है। पाई बंध में नोडल तल पाया जाता है। पाई बंध कमजोर होता है। फिर अगला नंबर देखिए, यस कक्षक अधिव्यापन द्वारा पाई नहीं बनता। पाई बंध सीमाबंध बनने के बाद ही बनता है। द्विबंध में एक सीमा और एक पाई, त्रिकबंध में एक सीमा और दो पाई बंध पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिए सी एस टू डबल बॉन्ड, सी एस टू में दिखाया गया है कितने सीमा और कितने पाई, और नीचे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो अभी हमने बताया ना कि डबल में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल में केवल सिग्मा, और ट्रिपल में दो पाई और एक सिग्मा, जैसे कि हमने देखिए यहाँ दिखाया है। और अगला नंबर देखिए, पाई बंध अणु की आकृति का निर्धारण नहीं करता, मतलब पाई बंध के द्वारा किसी भी अणु की आकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब आप लोग इसको हल कर लीजिएगा और आंसर देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।